राजीव रंजन जी, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। इट इज नॉट JDU इज अ पार्टी हियर, JDU इज अ पार्टी हियर, वेदर इट इज अपोजिंग और सपोर्टिंग, आई हैव टू रिकॉर्ड माई व्यू। आपके कहने से यू विल नॉट कंडक्ट द हाउस। माननीय सदन बोलिए, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबायू, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से, ये मंदिर से कहां उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। बाहर भा। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले, सर, आई स्टैंड हियर ऑन बिहाफ ऑफ द एनसीपी वेहेमेंटली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ईदर टू विड्रॉ द बिल कंप्लीटली। दैट इज आवर रिक्वेस्ट टू दिस गवर्नमेंट, बिकॉज नो डिटेल कंसल्टेशंस हैव बीन डन विद वेस्ट पीपल हु एक्चुअली आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन टूडे। सो आई रिक्वेस्ट विद फुल ह्यूमिलिटी टू दिस गवर्नमेंट टू ईदर विड्रॉ इट, एंड इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू विड्रॉ इट, एटलीस्ट सेंड इट टू अ स्टैंडिंग कमिटी और मेक अ कमिटी टूगेदर ऑफ द एंटायर ऑल पार्टी मीटिंग एंड देन डू इट। प्लीज डू नॉट पुश एजेंडाज विदाउट कंसल्टेशन। आई विल नॉट रिपीट अ सिंगल पॉइंट विच अर्लियर माई केस, बट द सैड पार्ट इज दिस दैट वी डिड नॉट फाइंड अबाउट दिस बिल फ्रॉम द पार्लियामेंट, we found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working, ki pehle media ko batayenge fir parliament hoga, to hum padh ke parliament pehle media mein batayenge pehle? How, what is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media, but don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट, संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल को, इसीलिए वो कल बट इट केम इन द मीडिया बिफोर दैट बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। इट केम इन द मीडिया, ये जस्ट
पास कैसे पहुंचा? ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरियट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद, फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसका कोई संसद ने कल बीएसई में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएसई में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। तारीख सही बताता हूं अभी आपको, एक मिनट में तारीख सही बताता हूं। सर्कुलेट किया, एक मिनट मेरी बात सुने, सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजर कमिटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजर संदल के नेता थे श्रीमती सुप्रिया सिंह।